हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 में रिलीज हुई रॉ मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कार को एक हाईवे से होकर गुजरते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उस कार के सामने अचानक एक अनजान आदमी आ जाता है, जिसको बचाने के लिए वो ड्राइवर अपने कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिससे उसका कार एक पेड़ में जाकर ठुक जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान आदमी उस कार की तरफ आगे बढ़ता है और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जस्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने मॉम और डैड के साथ एक होटल में लंच कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन के मॉम और डैड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। इसी बीच जस्टिन जब खाना खा रही थी, तभी उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा आ जाता है, जिसको देखकर उसकी मॉम उस होटल के वेटर के ऊपर काफी नाराज हो जाती है और वेटर को वो खाना चेंज करके लाने के लिए कहती है। इधर हम जस्टिन को भी देखते हैं और उसके मुँह में मीट आने की वजह से उसे काफी खराब लग रहा था, क्योंकि वो आज तक अपने लाइफ में कभी भी मीट का स्वाद नहीं चखी थी। खैर, लंच करने के बाद जस्टिन के मॉम और डैड जस्टिन को एक कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए लेकर जाते हैं, और ये कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ से उसके मॉम और डैड ने भी अपने पढ़ाई लिखाई को किया है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जस्टिन एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहती है और जस्टिन की बड़ी बहन एलेक्सिया भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। खैर, वो दोनों जस्टिन को कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं और उसे हॉस्टल में छोड़कर चले आते हैं। इसके बाद रात में उसकी मुलाकात होती है एड्रियन से, जो कि उसकी रूममेट है। इसी बीच हम देखते हैं कि कॉलेज में नए स्टूडेंट्स को काफी अजीब तरीके से वेलकम किया जा रहा था, यानी उन सभी स्टूडेंट्स को रैगिंग किया जा रहा था। वहां पर जस्टिन को भी बुलाया जाता है और जस्टिन जब वहां पर पहुंचती है, तब वो अपनी बड़ी बहन एलेक्सिया को देखती है और साथ ही साथ उसके डॉग को भी। यहाँ पर एलेक्सिया जस्टिन को एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर काफी अजीब तरीके के फोटोज थी। वहाँ पर एलेक्सिया जस्टिन को उनके मॉम और डैड की भी एक फोटो दिखाती है, जो कि दरअसल उसी वक्त की थी जब उसके मॉम और डैड उसी कॉलेज में पढ़ते थे। खैर, अगले ही दिन उन सभी स्टूडेंट्स को खून से नहलाया जाता है और उन्हें रॉ मीट खाने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर जस्टिन की बहन एलेक्सिया भी थी, लेकिन बड़ी बहन होने के बावजूद भी वो उसकी कोई भी मदद नहीं करती और उसे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही रॉ मीट खाने के लिए कहती है। अब जस्टिन तो शाकाहारी थी, इसीलिए वो रॉ मीट खाने से मना कर देती है, लेकिन वहाँ पर उसकी बात सुनने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए उसे ना चाहकर भी रॉ मीट खानी पड़ती है। इसके बाद रात में जस्टिन जब सो रही थी, तभी उसके बॉडी में खुजली होने लगती है और वो जब लाइट को ऑन करके अपने बॉडी को देखती है, तभी उसे अपने बॉडी में काफी सारे रैशेस देखने को मिलती है। इसीलिए वो अगले ही दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर उसे एक क्रीम देकर कहता है कि ये बस एक फूड पॉइजनिंग है और ये कुछ ही दिनों के अंदर चला जाएगा। उधर उस कॉलेज में नए स्टूडेंट्स की 7 दिनों तक रैगिंग होने वाला था और जस्टिन के पास कोई फैंसी ड्रेस भी नहीं थी, इसीलिए वो लोग जस्टिन की काफी मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से जस्टिन एलेक्सिया के पास आकर उससे एक फैंसी ड्रेस लेती है ताकि वो रैगिंग से बच सके। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसके रूम के सामान को किसी ने नीचे फेंक दिया है और ये काम उन्ही स्टूडेंट्स का है जो उसकी रैगिंग कर रहा था। खैर, अपने सामान को उठाकर जस्टिन किसी तरीके से अपने रूम में जाती है, जहाँ पर पहुँच कर उसे पता चलती है कि उसकी रूममेट एड्रियन एक गे है। इसके बाद अगले दिन जस्टिन को काफी भूख लगने लगती है और ये भूख खाना से नहीं बल्कि मांस से ही बुझने वाली थी, क्योंकि जस्टिन को उन्होंने मीट का स्वाद चखा दी थी और जस्टिन को अभी मीट खाने का नशा हो गई थी। लेकिन उसकी फैमिली शुद्ध शाकाहारी थी, जिस वजह से वो कॉलेज कैंपस से मीट नहीं खरीद सकती थी, इसीलिए वो कॉलेज कैंपस से एक मीट का पीस चुरा लेती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। उधर एड्रियन भी ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था कि जस्टिन शायद मीट खाने के लिए लालची हो गई है, इसीलिए एड्रियन जस्टिन को एक होटल पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे मीट खिलाता है। लेकिन जस्टिन इस तरीके से मांस खा रही थी जैसे कि वो काफी दिनों से भूखी है और इतनी खाने के बाद भी उसकी पेट नहीं भरती। खैर, घर पहुंचकर वो मीट ढूंढने लगती है और उसे फ्रिज के अंदर एक मांस का टुकड़ा मिलता है। वो मीट दरअसल कच्चा था, लेकिन फिर भी जस्टिन उस मीट को खा लेती है और उसे खाते ही उसका पेट भी भर जाता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि जस्टिन को जो भूख लगी थी वो मीट की नहीं बल्कि रॉ मीट की थी। खैर, अगले सीन में हम जस्टिन को उसके टीचर के सामने देखते हैं, जहाँ पर उसके टीचर उसे पढ़ाई के बारे में एडवाइस दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जस्टिन टीचर के सामने ही खुद की बाल चबा रही थी, जिस वजह से वो वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा बाल खा लिया था। खैर, रात में जब वो अपनी बहन एलेक्सिया के रूम में होती है, तब उसे वैसा ही एक क्रीम का पैकेट मिलता है जो उसे डॉक्टर ने दिया था, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि शायद एलेक्सिया को भी फूड पॉइजनिंग हुई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्सिया जस्टिन की वैक्सीन करने के लिए एक कैंची लेकर उसके पास आ रही थी, क्योंकि जस्टिन ने कभी भी वैक्सीन नहीं किया और इसी वजह से उसके इधर उधर काफी सारे बाल उग गए थे। लेकिन एलेक्सिया जब जस्टिन की वैक्सीन करने लगती है, तभी जस्टिन को वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं लगती, इसीलिए वो एलेक्सिया को एक लात मारती है, जिससे एलेक्सिया काफी दूर जाकर गिरती है और उसका एक उंगली कट जाती है। इसके बाद एलेक्सिया अपने हाथों से ब्लड गिरते हुए देखकर बेहोश हो जाती है और जस्टिन एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में कॉल लगाती है, तब वो लोग बताते हैं कि उन्हें आने में थोड़ी देर होगी, इसीलिए वो लोग जस्टिन को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने बहन की उंगली को बर्फ के अंदर रख दें। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एलेक्सिया की डॉग भी आ चुका था और वो एलेक्सिया की खून को चाट रहा था, जिसको देखकर जस्टिन को भी मास्क
खाने का मन करता है और इसीलिए वो एलेक्सिया की कटी हुई उंगली को खाने लगती है। इसी बीच एलेक्सिया भी उठ जाती है और वो अपने बहन को मांस खाते हुए देख लेती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह एलेक्सिया जस्टिन को लेकर एक हाईवे की तरफ जाती है और ये हाईवे वही हाईवे है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ पर पहुंचकर एलेक्सिया जानबूझकर एक कार के सामने आ जाती है जिसको बचाने के चक्कर में वो कार क्रैश हो जाता है और उस कार के अंदर बैठा हुआ दो आदमी की डेथ हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी में हमें एक मेजर ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर एलेक्सिया जस्टिन से कहती है कि उसके साथ भी वो सब कुछ हुई थी जो अभी एलेक्सिया को रॉ मीट खाने के बाद हो रही है और वो इंसानी मीट के लिए इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई है कि उसे ऐसे ही मीट की जुगाड़ करनी पड़ती है। इधर जस्टिन भी रॉ मीट के ऊपर काफी एडिक्ट हो चुकी थी लेकिन वो इंसानों को मारकर खाना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने भूख को मारकर किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन दिन ब दिन जस्टिन की हालत को देखकर हमें पता चल जाता है कि जस्टिन ज्यादा दिन अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन जस्टिन भूखे भेड़िए की तरह एक पार्टी में जाती है जहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर पेंट डाल देते हैं, लेकिन जस्टिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ती और वो एक लड़के की होंठ को चबाकर खा जाती है। इधर ये सब कुछ पार्टी में मौजूद बाकी सारे लोग भी देख रहे थे और इसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जस्टिन घर आकर फ्रेश होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो एड्रियन को अपने पास बुलाती है और उसके साथ करीब आती है। इसी बीच वो उसे काटने की भी कोशिश करती है लेकिन एड्रियन उसे ये मौका नहीं देता, जिस वजह से जस्टिन अपने हाथ को ही काट लेती है। इसके बाद रात में जस्टिन एक पार्टी में जाती है जहाँ पर एलेक्सिया उसे वहाँ से लेकर एक दूसरे रूम में लेकर जाती है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह जस्टिन जब नींद से उठकर कॉलेज में जाती है तब उसे कॉलेज के लोग काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। इसी बीच एड्रियन जस्टिन को एक कोने में ले जाकर एक वीडियो दिखाता है जो कि अगली ही रात की थी जब एलेक्सिया ने जस्टिन की मजाक उड़ाई थी। यहाँ पर जस्टिन देखती है कि एलेक्सिया ने अगली रात सभी के सामने जस्टिन की मजाक उड़ाई थी, इसीलिए वो एलेक्सिया के ऊपर भड़क जाती है और कॉलेज पहुंचकर एलेक्सिया के साथ भिड़ जाती है। अब उन दोनों के बीच वहाँ पर एक घिनौना फाइट होती है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के मांस को कच्चा ही खा रही थी। उधर ये सब कुछ कॉलेज कैंपस के बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे थे और वो लोग ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले दिन जब जस्टिन नींद से उठती है तब वो एड्रियन को अपने पास ही लेटा हुआ पाती है, लेकिन जब वो एड्रियन को टच करती है तब उसे उसके बॉडी में लगा हुआ खून से पता चल जाती है कि वो मर चुका है। अब वो सोचने लगती है कि शायद उसी ने ही उसे मारा है, लेकिन कातिल तो नीचे बैठी हुई थी। दरअसल एलेक्सिया को काफी भूख लग रही थी और वो अपने मांस की जुगाड़ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने एड्रियन को मारकर ही खा लिया। खैर ये सब कुछ तो उसके लिए कॉमन चीज है लेकिन जस्टिन के लिए ये कॉमन चीज नहीं थी, इसीलिए वो एलेक्सिया को नहलाती है, मेकअप करवाती है और इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वो पुलिस को सारी बातें सच सच बताती है जिससे पुलिस एलेक्सिया को कस्टडी में ले लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्टिन अपने घर वापस आ चुकी है और वो अपने मॉम डैड के साथ लंच कर रही है। इसी बीच कहानी में हमें एक और मेजर ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर उसकी डैड उससे कहता है कि ये सब कुछ में उसकी गलती नहीं है, दरअसल उसकी मॉम और डैड भी इंसानी मांस की भूखी है, यानी ये बीमारी उनकी जेनेटिक है या फिर वो लोग कैनिबल है। खैर जो भी है, वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह मांस खाएं और इसीलिए ही शायद उन लोगों ने अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज दिया था। और दोस्तों यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियोस की याद दिलाता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।